सो के गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, शिल्पा शेट्टी के साथ आप डांस करने वाली वीडियो आप किस प्रकार बना सकते हैं, जो टिकटॉक पे फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, इस टाइप की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, एक वीडियो शूट कर लेना है आपको सेम इसी तरह से डांस करते हुए। जब आपका वीडियो शूट हो जाएगा तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल का होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। मैंने एक वीडियो शूट किया हूँ नॉर्मल, तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट कर सकते हैं या फिर इससे बेहतरीन भी शूट कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है वीडियो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो एक से दो बार आपको वीडियो को प्ले कर देख लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो में थोड़ा लाइट देना है तो सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे कलर एडजस्टमेंट में, कुछ इस तरह से हम थोड़ा ब्राइटनेस को ज़्यादा कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आप जब भी वीडियो शूट करेंगे तो आपके वीडियो में 50% पार्ट जो है आपको खाली होना चाहिए, जिस तरह से आप देख सकते हैं। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का भी लिंक दे रखा हूँ, वीडियो को आपको सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्रोमा की का, क्रोमा की को इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद सिंपल शो मास्क पे क्लिक करना है और आपको सही से एडजस्ट आपको कर लेना है। जो आपको फेस जो है वाइट दिखना चाहिए और बाकी का पार्ट है जो आपको कुछ इस तरह से ब्लैक दिखना चाहिए, जैसा कि आप देख सके, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सही तरह से एडजस्ट आपको कर लेना है। तो मैं यहाँ से सही से एडजस्ट कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लगभग एडजस्ट कर दिया। हम एडजस्ट करने में साइड में देख सकते हैं दोनों साइड एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है, तो एक्स्ट्रा पार्ट को आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से क्रोप आपको कर देना है। सबसे पहले मैं इसे क्रोप कर देता हूँ। क्रोप करने के बाद डन करना है। डन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको जूम कर लेना है और सही तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। मैंने एडजस्ट कर दिया, तो अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो अपने हिसाब से आपको वीडियो को एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद जो लास्ट का पार्ट कुछ भी एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। तो मैं बैकग्राउंड वीडियो को भी ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। तो आपको सही से आपको एडजस्ट करना है, अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। तो मैंने एडजस्ट कर दिया और हमारा वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। फिलहाल मेरी वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और एक भाई ने वीडियो बनाया है, उस वीडियो पे 1 मिलियन लाइक्स आ चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस ओरिजिनल वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और आपको वॉल्यूम को म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद सेटिंग पर क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने एक साउंड लिंक भी दे दूंगा, उसी वीडियो का साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।